बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर आहार एवं पोषण विज्ञान फूड एंड न्यूट्रिशन का आज का हमारा टॉपिक है सोडियम और क्लोरीन। खनिज लौट में मुख्य खनिज लौट में कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। अब मुख्य खनिज लौट का ही अगला पार्ट है सोडियम तथा क्लोरीन। आज हमने दो पोषक तत्वों को, दो खनिज लौटों को इसलिए एक साथ लिया है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही कार्य कर सकते हैं। अर्थात क्लोरीन स्वतंत्र रूप में शरीर में विद्यमान नहीं रहता है, ये हमेशा सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम अर्थात अन्य खनिज लौटों के साथ ही मिलकर कार्य करता है। ये स्वतंत्र रूप में कार्य नहीं करता है, इसीलिए इसको हमने सोडियम के साथ लिया है। सोडियम के साथ मिलकर ये कार्य कर रहा है। सोडियम की हमारे शरीर में आवश्यकता बहुत ना अधिक है ना बहुत कम है। इसकी पूर्ति के लिए हम कहीं ना कहीं साधारण नमक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सोडियम तथा क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनता है। साधारण नमक का रूप ले लेता है। तो सोडियम की प्राप्ति के लिए हम साधारण नमक का प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सोडियम तथा क्लोरीन की पूर्ति हो जा रही है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर को अगर देखा जाए तो उनके शरीर में 100 ग्राम तक सोडियम उपस्थित रहता है, और ये 100 ग्राम में से आधा यानी 50% उसके बाह्य रसों में कार्य करता है तथा 50% आंतरिक रसों में कार्य करता है। आंतरिक जो ऊतक होते हैं, जो ब्लड सीरम होते हैं, इसमें आधा कार्य करता है, आधा बाह्य रसों में कार्य करता है। अब आते हैं सोडियम तथा क्लोरीन के कार्य। अब इनके कार्य देख लेते हैं, क्योंकि हर पोषक तत्व के कार्य अलग है, प्राप्ति के साधन अलग है, इनकी कमी से होने वाले रोग अलग हैं, तो इनके हमारे शरीर में क्या कार्य हैं उसको देखते हैं। पहला है मांसपेशियों के संकुचन में सहायक। इसके पहले जब कैल्शियम और फास्फोरस के कार्यों में बताया गया था तो कहीं ना कहीं सारे खनिज लौटों के कार्य एक ही हैं। खनिज लौट को भले ही अलग अलग भागों में बांटा गया, अलग अलग नामों से हम जानते हैं, लेकिन सारे खनिज लौट मिलकर ही कार्य कर रहे हैं। अर्थात जो कार्य कैल्शियम का होगा, जो कार्य फास्फोरस का होगा, वही कार्य कहीं ना कहीं सबका घुमा फिरा के वही है, क्योंकि सब एक दूसरे से मिलकर ही कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़कर ही कार्य कर रहे हैं। तो इसका कार्य है मांसपेशियों के संकुचन में सहायक। मांसपेशियों के संकुचन में किस प्रकार से ये सहायता प्रदान कर रहा है? अगर शरीर में सोडियम तथा क्लोरीन की कमी हो जा रही है तो क्या होता है, मांसपेशियों बहुत पीड़ादायक संकुचन होता है, मांसपेशियों में ऐंठन होता है, बहुत भयानक दर्द होता है, तो इनकी कमी के कारण होता है जो कि इनके कार्य है, तो इसीलिए शरीर में इनकी कमी नहीं होनी चाहिए। फिर है शारीरिक वृद्धि में सहायक। अब सारे खनिज लौट कहीं ना कहीं वृद्धि में भी सहायक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि खनिज लौटों का कार्य निर्माण का है, और निर्माण हो रही है तो वृद्धि में भी ये सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी खनिज लवण हैं वो हमारे बाकी के पोषक तत्व जैसे कार्बोज, वसा, प्रोटीन, जल इत्यादि के कार्य में भी सहायता प्रदान कर रहे हैं। मतलब वो हमारे शरीर में जब जा रहे हैं तो शरीर में किस प्रकार से क्रिया कर रहे हैं, वो शरीर में अब्सॉर्ब करने का काम, मतलब इसकी सहायता से ही, खनिज लवणों की सहायता से ही बाकी के सारे पोषक तत्व कार्य कर रहे हैं। फिर है हृदय की गति को संतुलित रखना। हृदय के आसपास रक्त सीरम में तथा हृदय के आसपास जो मांसपेशियां होती हैं उसमें सोडियम तथा क्लोरीन उपस्थित रहता है, और इसकी सहायता से हृदय का जो गति है वो सामान्य रहता है, जो हार्ट बीट है वो सामान्य रहता है, संतुलन बना रहता है। तो उसके आसपास चूँकि ब्लड सीरम में सोडियम उपस्थित रहता है, क्लोरीन भी उपस्थित रहता है, तो इससे क्या होता है, वो हृदय के आसपास रहता है, जिससे हार्ट बीट को सही तरीके से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। फिर है अम्ल तथा क्षार का संतुलन। सोडियम तथा क्लोरीन के द्वारा अम्ल तथा क्षार का संतुलन हो रहा है, क्योंकि वही है कि रक्त सीरम में सोडियम तथा क्लोरीन पाया जा रहा है, तो जो रक्त है ह्यूमन बॉडी के जो ब्लड है उसमें ना तो बहुत अम्लीय होने दे रहा है, ना बहुत क्षारीय होने दे रहा है, उसको मतलब बराबर रख रहा है, संतुलित करके रख रहा है।
फिर है जल संतुलन बनाए रखने में सहायक। जल संतुलन किस प्रकार से बनाए रख रहा है? अगर शरीर में सोडियम की कमी हो जा रही है या सोडियम की अधिकता हो जा रही है, तो सोडियम की अधिकता के कारण बहुत अधिक पसीने निकलते हैं, जो कि शरीर के जल को मेंटेन रखता है, संतुलित करके रखता है। क्योंकि सोडियम का जब हम सेवन करते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में वो उत्सर्जित होता है यूरिन के द्वारा तथा पसीने के द्वारा। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में अगर जल का संतुलन अधिक हो गया है, जल की मात्रा अधिक हो गई है, तो उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम उसको निष्कासित करता है, तो जल का संतुलन जो है वो सही प्रकार से बना रहता है। अब आते हैं सोडियम तथा क्लोरीन प्राप्ति के साधन। क्या कौन से सोर्सेज हैं, कौन से स्रोत हैं जिससे हम सोडियम तथा क्लोरीन को प्राप्त कर सकते हैं? तो इसको अगर देखा जाए तो सबसे उत्कृष्ट साधन है नमक। क्योंकि नमक हम अपने भोजन में डेली इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादातर लोग 95% लोग नमक का सेवन इसलिए करते हैं क्योंकि इससे भोजन में स्वाद आता है, लेकिन इसका स्वास्थ्य से भी गहरा रिश्ता है। नमक का सेवन सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए होता है, क्योंकि नमक में सोडियम तथा क्लोरीन है जिससे सोडियम क्लोराइड बन रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे उत्कृष्ट साधन है नमक। इसके अलावा इसके बाद अगर कोई साधन देखें तो प्राणी जगत के स्रोत बहुत अच्छे हैं, जैसे मांस हो गया, मछली, अंडे, दूध, दूध से बने हुए प्रत्येक भोज्य पदार्थ, तो ये बहुत अच्छा साधन है नमक के अलावा। क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी व्यक्ति को कोई डिजीज हो गया, जैसे उसे हाई ब्लड प्रेशर है या फिर उसे किडनी से संबंधित कोई रोग है, तो उसे क्या करते हैं, नमक की मात्रा कम कर देते हैं। तो नमक की मात्रा कम कर दी है तो कहीं ना कहीं सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाएगी, तो उस कमी को पूरा करने के लिए प्राणी जगत से उसका उनके सेवन को उनका सेवन करते हैं, प्राणी जगत के भोज्य पदार्थों का। इसके अलावा फल, सूखे मेवे, दाल, अनाज आदि, मतलब कहीं ना कहीं हर प्रकार के भोज्य पदार्थों में सोडियम तथा क्लोरीन मौजूद है, वो अल्प मात्रा में हो या अधिक मात्रा में, लेकिन कहीं ना कहीं पाया जा रहा है। तो इसका सेवन हम प्रत्येक भोज्य पदार्थों से कर सकते हैं, लेकिन उत्कृष्ट साधन नमक और प्राणिक जगत ही है। अब आते हैं सोडियम की कमी के प्रभाव। सोडियम की कमी से हमारे शरीर पे कौन से प्रभाव हो सकते हैं, क्या डिजीज़ हो सकता है या क्या हमारे शरीर में लक्षण दिखाई दे सकते हैं, इसके कारण क्या है, इसको जानते हैं। तो आमतौर पर अगर देखा जाए तो सोडियम की कमी नहीं होती है मानव शरीर में, लेकिन अगर गर्म प्रदेश है तो गर्म प्रदेश में चूँकि जो अधिक क्रियाशील व्यक्ति हैं, जो फिजिकली बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो जब फिजिकली वर्क करेंगे तो बहुत अधिक पसीने का निष्कासन होगा, पसीने बहुत अधिक मात्रा में निकलेंगे, और जब पसीने निकलेंगे तो पसीने के साथ साथ सोडियम तथा क्लोरीन भी निकल रहा है। तो जब हमारे शरीर से बहुत अधिक मात्रा में पसीने निकलेंगे तो उससे हाइपोनेट्रेमिया नामक रोग हो सकता है। ये मतलब कोई रोग नहीं है, अगर इसकी कमी हो जा रही है तो इसकी कमी से हाइपोनेट्रेमिया हो सकता है। अब हाइपोनेट्रेमिया ठंडे प्रदेशों के लोगों को नहीं होगा, जो बहुत गर्म प्रदेश के लोग हैं और बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं उनको ये रोग हो सकता है। अब इसके कारण क्या है, वो तो एक कारण हो गया कि गर्म प्रदेश के लोग हैं, बहुत अधिक शारीरिक श्रम कर रहे हैं, ये कारण है। इसके अलावा अगर गुर्दे में किसी प्रकार का विकार है, मतलब किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज है, या फिर किडनी में सोडियम का अवशोषण सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है, सोडियम की कमी हो जा रही है जिससे अवशोषण नहीं हो रहा है, इससे भी हाइपोनेट्रेमिया हो सकता है। इसके अलावा अगर बार बार यूरिन हो रहा है इससे भी हो सकता है, लगातार डायरिया बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं पानी की मात्रा जब हमारे शरीर से बहुत अधिक निकल रही है तो इससे सोडियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा जब किडनी सही प्रकार से सोडियम का अवशोषण नहीं कर रहा है, किडनी सही प्रकार से सोडियम का अवशोषण तभी नहीं करेगा जब उसे किसी प्रकार की समस्या रहेगी, कोई डिजीज रहेगा। तो ये कारण हो गए कि क्या कारण है सोडियम की कमी के। अब लक्षण क्या है, क्या मतलब अगर कमी हो जा रही है तो लक्षण देखने को क्या मिलेंगे, तो
लक्षण में हो जाएगा जी मिचलाना, चक्कर आना, थकान, मांसपेशियों में बहुत भयानक दर्द। तो कहीं ना कहीं इसके लक्षण भी, मतलब अगर सोडियम क्लोरीन की कमी हो जा रही है तो इसके लक्षण भी बाकी खनिज नोड़ों के तरह ही दिखते हैं। जैसे कैल्शियम में भी यही सारे लक्षण देखने को मिले थे, फास्फोरस में भी यही सारे लक्षण देखने को मिले थे। तो लक्षण वही है कि लगातार उल्टी जैसा फील होगा, जी मिचलाएगा, थकान होगी, मांसपेशियों में बहुत भयानक पीड़ा होगी, क्योंकि इसका कार्य है मांसपेशियों के संकुचन में सहायक। तो जब कमी हो जाएगी तो मांसपेशियों में ऐंठन होगी और बहुत पीड़ा पहुंचेगी। तो ये सोडियम की कमी के प्रभाव हो गए। अगर सोडियम की अधिकता हो जा रही है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये कमी से हाइपोनेट्रेमिया होता है, और अगर अधिकता हो गई तो हाइपरनेट्रेमिया रोग हो सकता है। थोड़ा सा अंतर है दोनों शब्दों में। तो अगर अधिकता हो जा रही है तब भी इसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है, और अगर कमी हो जा रही है तब भी इसका वो प्रभाव हमारे शरीर में देखने को मिल रहा है। तो इसका बहुत अच्छा स्रोत है नमक, मांस, मछली, अंडे, मतलब जो भी हम भोज्य पदार्थ प्रतिदिन ग्रहण कर रहे हैं। तो वो बाकी पोषक तत्वों के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खनिज लौट भी हमें उसी पोषक तत्वों से, उसी भोज्य पदार्थों से मिल जा रहे हैं। अब मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू।